सर्विसेज टैक्स, ये इसका फुल फॉर्म हो गया। और ये कब लागू किया था? 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था इंडिया में। और इसके लिए कुछ और इम्पोर्टेंट जो इससे रिलेटेड टर्म्स हैं, हम लोग देखते हैं उनको। तो ये 101 अमेंडमेंट था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसके थ्रू जीएसटी लाया गया। उसके बाद ये क्या किया गया था, 7th शेड्यूल। किस शेड्यूल में अमेंडमेंट किया गया जीएसटी के लिए? तो वो है 7th शेड्यूल, ठीक है। किस आर्टिकल में अमेंडमेंट किया गया है, किस आर्टिकल में चेंजेस लाए गए हैं? वो है 246A, 269A और 279A। मेजर जो है इन आर्टिकल्स में चेंज किया गया है, बाकी छोटे मोटे चेंजेस शायद किसी और कुछ और आर्टिकल्स में भी किया गया है, ठीक है। जीएसटी में स्लैब्स की बात करें तो 5 स्लैब हैं, 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28%, ठीक है। 0% को अक्सर लोग छोड़ दिया करते हैं और बात करते हैं 4 स्लैब्स की, 5, 12, 18 और 28। 28% जो स्लैब है, अभी कुछ दिनों पहले जीएसटी की मीटिंग हुई थी नवंबर में, तो और जीएसटी के चेयरमैन हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं अरुण जेटली, वो हैं। और जो 28% स्लैब है उसमें अब बस 50 आइटम्स ही रह गए हैं। पहले काफ़ी सारे आइटम्स थे जो पिछली मीटिंग हुई उसमें सबको हटा करके, केवल 50 आइटम्स हैं अब जो जीएसटी में 28% स्लैब में बचे रह गए हैं, ठीक है। तो 4 स्लैब आप लोग ये याद रखिएगा, 5, 12, 18, 28। अगर जीरो की बात कहीं लगे आपको कि पूछा जा रहा है, तभी आप लोग उसको बताइएगा। और जीएसटी जो है वो सबसे पहले किस कंट्री में आया था? वो था फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस, ठीक है। तो जीएसटी सबसे पहले फ्रांस में आया था, और कब आया था? 1954 में आया था, ठीक है। और अभी जो जीएसटी है वो किस पे लागू नहीं किया गया है? सबसे पहली चीज़ तो पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया, इन सब चीज़ों पे जीएसटी नहीं लागू किया गया है। और दूसरी चीज़ अल्कोहल। देखिए कुछ पार्ट्स हैं कि अल्कोहल में, जैसे कि अल्कोहल कम्प्लीटली तो आउट ऑफ जीएसटी नहीं है, लेकिन है हाँ, एक जनरल वे में हम लोग कह सकते हैं कि हाँ अल्कोहल जीएसटी के बाहर रखा गया है, ठीक है। तो पेट्रोलियम और जीएसटी दो चीज़ पेट्रोलियम और अल्कोहल दो चीज़ जीएसटी से बाहर है, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम लोग ब्रिक्स की बात कर लेते हैं। ब्रिक्स मतलब कि ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ठीक है। 2009 में जब ये स्टार्ट हुआ था तो इसमें केवल 4 कंट्री थी, BRIC मतलब ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना। 2010 में साउथ अफ्रीका को ऐड किया गया था इसमें। तो जो इसकी मीटिंग थी, जो एनुअल मीटिंग होती है, एनुअल सम्मिट होती है, वो इस बार कहाँ हुई? वो हुई जायमेन चाइना में, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ और चीज़ देखते हैं कि जो पहली सम्मिट हुई थी वो हुई थी 2009 में। कहाँ हुई थी? वो रशिया में हुई थी, ठीक है। ये 9th एडिशन है। एवरी ईयर 2009 के बाद से सम्मिट कहीं ना कहीं हो रही है, तो ये 9th एडिशन था। ये इस बार चाइना में हुआ और ये 2nd टाइम था जब चाइना इसको होस्ट कर रहा था। इसके पहले भी एक बार चाइना 2011 में ब्रिक्स की सम्मिट को होस्ट कर चुका है, ठीक है। और जो इस बार की थीम थी वो थी स्ट्रॉन्गर पार्टनरशिप फॉर ब्राइटर फ्यूचर। और जो नेक्स्ट है वो कहाँ होगा? वो होगा जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में 2018 में, ठीक है। ये कुछ चीज़ें आप लोग को याद रखनी है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि अगली बार कहाँ होगा। पिछली बार की अगर बात करें तो 2016 में गोवा, इंडिया में हुआ था, ठीक है। गोवा की कैपिटल जैसे पणजी। कुछ रिलेटेड टर्म्स आप लोग अक्सर जाना करिए, नॉट ओनली दैट पर्टिकुलर टर्म्स, उससे रिलेटेड जो भी आपको लगे आप कुछ चीज़ों को रिलेट करके अपना याद करने की कोशिश किया करिए, ठीक है। तो नेक्स्ट सबमिट होगी जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम लोग G20 समिट की बात कर लेते हैं। G20 समिट 2017 का कहाँ हुआ था? हैम्बर्ग। कहाँ पर है? हैम्बर्ग जर्मनी में है, ठीक है। तो G20 समिट जो है वो कंप्राइज करता है 19 कंट्रीज हैं इसमें, और क्या है, एक यूरोपियन यूनियन है। यूरोपियन यूनियन में 28 स्टेट्स आते हैं, ठीक है। पूरा यूरोप को नहीं, कुछ कंट्रीज को छोड़ करके एक लोग का यूरोपियन यूनियन, एक यूरोपियन संघ बना हुआ है, उसमें 28 कंट्रीज आती हैं। तो 90 कंट्रीज प्लस मान के चलिए आप 28 कंट्रीज। इसमें से ही जैसे कि आप लोगों ने एक टर्म सुना होगा 2016 में बहुत फेमस हुआ था, ब्रेग्जिट। ब्रिटेन ने एग्जिट कर लिया था इससे, मतलब कि यूके, यूनाइटेड किंगडम ने कहा था कि मैं भाई यूरोपियन यूनियन से बाहर जाना चाहता हूं, मैं इसमें नहीं रह पाऊंगा। क्योंकि यूरोपियन यूनियन ये होता है कि मान लीजिए आपने किसी यूरोप के एक कंट्री का पासपोर्ट बनवा लिया तो आप पूरे यूरोप में ट्रैवल कर सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो बस मैंने एक चीज़ बताई है। और बहुत सारी चीज़ें भी होती हैं जिससे यूके को कुछ फ़ायदा नहीं मिल रहा था, तो यूके ने कहा कि मैं इससे बाहर होना चाहता हूं। तो एक वोटिंग हो चुकी है, उसने अपने आप को अलग कर लिया है, लेकिन अभी ऑफिशियली उतना अलग नहीं कर पाया अपने आपको, वो धीरे धीरे प्रोसेस है, काफ़ी टाइम लेगा। तो G20 की बात कर रहे थे हम लोग, G20 समिट की। तो ये कब स्टार्ट हुई? 1999 में स्टार्ट हुई। और जो इस बार की थीम थी G20 समिट की होती है शेपिंग एन इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड, ठीक है। नेक्स्ट समिट कहाँ होगी? ब्यूनस एयर्स, अर्जेंटीना में होगी। अर्जेंटीना की कैपिटल है ब्यूनस एयर्स, ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। 2018 में होगा अर्जेंटीना में, ब्यूनस एयर्स में।
तो देखिए, अगर आप लोग इस वीडियो का केवल पीडीएफ देख रहे हैं तो ये सब बातें आपको नहीं पता चलेंगी। जैसे अभी मैंने यूरोपियन यूनियन के बारे में आपको बताया, ब्यूनस एयर्स कैपिटल है अर्जेंटीना की, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो कि मैं लिख नहीं सकता हूँ इसमें, लेकिन हाँ वीडियो बनाते समय वो याद आती रहती हैं और मैं बोलता रहता हूँ। तो मैं आप लोग को कहूँगा कि अगर आप लोग केवल पीडीएफ देख रहे हैं तो उसमें वीडियो का जो लिंक है उसको भी उस पर क्लिक करें और वीडियो भी आकर के एक बार जरूर देखें, ठीक है। नेक्स्ट वन, इसरो सक्सेसफुली लॉन्च रिकॉर्ड 104 सैटेलाइट्स। 104 सैटेलाइट को इसरो ने लॉन्च किया था एक साथ इस साल, और किस व्हीकल कौन सा था उसको लॉन्च करने का, वो था पीएसएलवी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-37, ठीक है, आप लोग ये भी याद रखिएगा। और जिसमें 3 सैटेलाइट थे वो इंडिया के थे, बाकी 101 सैटेलाइट बाहर देशों के थे, जिसमें कि सबसे ज़्यादा 96 था यूएसए की सैटेलाइट, और एक एक सैटेलाइट था इसराइल, कजाकिस्तान, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड एंड यूएई की, ठीक है। यूएई की कैपिटल क्या है? यूएई की कैपिटल होती है अबूधाबी, दुबई नहीं होती, अबूधाबी होती है, इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा आप लोग, ठीक है। तो ये इसरो के बारे में इतनी चीज़, आई थिंक ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, आप लोग जरूर एक बार ध्यान दीजिएगा इस पर। नेक्स्ट वन, इंडियाज लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज, इंडिया का सबसे लंबा रिवर ब्रिज जो बना है वो कहाँ बना है? वो असम में बना है, उसको बोला जाता है ढोला सादिया ब्रिज, ढोला से लेकर के सादिया तक ये ब्रिज है, ठीक है। किस रिवर पे है? लोहित रिवर पे है। लोहित रिवर ब्रह्मपुत्र की एक ट्रिब्यूटरी रिवर है, लोहित रिवर मतलब ब्रह्मपुत्र में जाके आगे मिल जाती है, ठीक है। बहुत ही बड़ी रिवर है लोहित रिवर भी, और ये ब्रह्मपुत्र में आगे जाके मिल जाती है। और ये जो रिवर ब्रिज है जो ढोला सादिया, ये किसको किसको कनेक्ट करता है? असम को अरुणाचल प्रदेश से कनेक्ट करता है, ठीक है। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर है। और आपकी अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर, ठीक है। दोनों के सीएम की अगर हम लोग बात करें तो असम के जो सीएम है उनका नाम है सर्बानंद सोनोवाल, और अरुणाचल प्रदेश के सीएम का नाम है पेमा खांडू। देखिए ये सब चीज़ें भी आप साथ साथ में पढ़ते चलिए तो आपको बाद में अलग से नहीं रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है। और बाद में इस रिवर का नाम एक और नाम दिया गया, भूपेन हजारिका ब्रिज, ठीक है। भूपेन हजारिका एक असम के बहुत ही फेमस सेलिब्रिटी रहे हैं, वो आगे सिंगर थे, लिरिसिस्ट थे, बहुत सारा काम इन्होंने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में किया है, इसीलिए बाद में इसको नाम दे दिया गया भूपेन हजारिका ब्रिज। और इसकी जो लेंथ है वो है 9.15 किलोमीटर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आ भी चुका है कि जो भूपेन या तो ढोला सादिया ब्रिज है उसकी लेंथ कितनी है, वो है 9.15 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट वन, वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज टू कम अप ओवर चेनाब, किस रिवर पे आएगा? वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज बन रहा है इंडिया में, कहाँ बन रहा है? चेनाब रिवर पे बन रहा है, ठीक है। उसकी हाइट कितनी है? 359 मीटर या 1178 फीट भी कह सकते हैं। ये ब्रिज किसको इसको कनेक्ट करेगा? बैकाल कटरा में, बकाल कटरा में एंड कौरी श्रीनगर में, ठीक है। दो लोकेशन के बीच में ये दोनों को कनेक्ट करेगा। इट विल बी ए पार्ट ऑफ उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट का ये एक पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट वन, इंडियाज़ लॉन्गेस्ट रोड टनल, रोड टनल एक बनी इंडिया में, सबसे लंबी रोड टनल है इंडिया की, तो वो चेनानी नासरी टनल उसको बोला जाता है, ठीक है। कितने किलोमीटर लंबी है? 9.2 किलोमीटर लंबी है, और ये हिमालयन माउंटेन रेंज से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे 44 को कनेक्ट करती है, ठीक है। नेशनल हाईवे NH 44, ये आप लोग याद रखिएगा। इसका नाम पहले शायद नेशनल 1A था, नेशनल हाईवे 1A, अब उसका नाम नेशनल हाईवे 44 कर दिया गया है। ये इसमें क्या है कि इसमें इंटीग्रेटेड ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम भी लगा हुआ है, जो कि हाँ किसी कोई भी वेदर हो, कैसी भी कंडीशन हो, काफ़ी अच्छा वेंटिलेशन प्रोवाइड करता है और काफ़ी कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, इंटीग्रेटेड ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। एक चीज़ और बतानी थी आपको लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज के बारे में, कि ये तो अभी है खैर इंडिया का सबसे लंबा रिवर ब्रिज है, लेकिन एक और रिवर ब्रिज बनना स्टार्ट हो चुका है इंडिया का, जिसकी लेंथ होगी 9.8 किलोमीटर। ये बन रहा है बिहार में गंगा नदी के ऊपर, ठीक है। तो शायद 2020 तक वो कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद ये हम लोग का जो जीके है ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन, इसकी बात हम लोग कर चुके हैं, ये अब हम लोग बात करते हैं स्वच्छ सर्वेक्षण की जो 2017 में किया गया था। तो उस सर्वेक्षण में ये पता चला कि इंदौर जो है वो हम लोग का क्लीनेस्ट सिटी है, और जो डर्टीएस्ट सिटी है वो है गोंडा। इंदौर मध्य प्रदेश में पड़ता है, मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल, ठीक है। और जो डर्टीएस्ट सिटी है वो है गोंडा। गोंडा कहाँ आता है? गोंडा एक डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का, ठीक है। ये कितने सिटीज़ में कंडक्ट किया गया था? 434 सिटीज़ एंड टाउन्स में मिला के कंडक्ट किया गया था, जिसमें कि इंदौर टॉप पे आया। दूसरे नंबर पे भोपाल आता है, तीसरे नंबर पे वाइजैग है, और चौथे पे या तो पाँचवें पे आई थिंक मैसूरू है, ठीक है। मैसूर कभी नंबर 1 पे भी हुआ करता था। नेक्स्ट वन, इंडिया रैंक्स 122 इन वर्ल्ड हैप्पीनेस।
वर्ल्ड हैप्पीनेस में इंडिया की रैंक है 122, 122वीं रैंक है, और नंबर वन पे कौन है? नॉर्वे। देखिए इंडिया की रैंक और नंबर वन पे कौन है, ये दो चीज़ आपको याद करनी है किसी भी इंडेक्स में, किसी भी रिपोर्ट में, ठीक है। जैसे कि नेक्स्ट रिपोर्ट जो है, नेक्स्ट इंडेक्स जो है 131st रैंक है, 131वीं रैंक है इंडिया की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, और जो पहले नंबर पर है वो है नॉर्वे, ठीक है। नेक्स्ट वन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनॉग्रेटेड फेज टू ऑफ द सोनी प्रोजेक्ट, लिंक फॉर सोनी प्रोजेक्ट। सोनी प्रोजेक्ट क्या है? सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण इरिगेशन, इरिगेशन के लिए प्रोजेक्ट बनाया गया है। मतलब कि जो सरदार सरोवर डैम बना हुआ है नर्मदा रिवर पर, जिसका अभी उद्घाटन किया था हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने, तो उसका उससे क्या होगा कि मान लीजिए वहाँ पानी बहुत ज़्यादा हो रहा है, जब फ्लड की सिचुएशन आ जाती है कभी कभी नर्मदा रिवर में, तो वहाँ से पानी को ट्रांसफर कर दिया जाएगा जो सौराष्ट्र रीजन है गुजरात का, वहाँ पे पाइपलाइन के थ्रू, ठीक है, ओपन नहीं जाएगा, वो पाइपलाइन के थ्रू जाएगा और बीच बीच में वो पानी डिस्ट्रीब्यूट, वाटर डिस्ट्रीब्यूट करता हुआ चलेगा। तो जो रीजन है जहाँ पे पानी की कमी है, वहाँ पे पानी पूरा हो जाएगा। ये एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है, सोनी इसका नाम है, सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण इरीगेशन, ठीक है। नेक्स्ट वन, पीएम मोदी इनॉग्रेटेड एन एग्जीबिशन स्वच्छ आगरा, बापू को कार्यांजलि, एक अभियान एक प्रदर्शनी ऑन द ओकेजन ऑफ 100 ईयर ऑफ चंपारण, ठीक है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 100 ईयर, 100 साल हो चुके हैं चंपारण के, जहाँ पे पहला सत्याग्रह महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि 100 साल हो चुके हैं चंपारण को, गांधी जी ने स्टार्ट किया था अपना पहला सत्याग्रह चंपारण से। चंपारण कहाँ पे है? बिहार में, ठीक है। 1917 अप्रैल में पहला सत्याग्रह हुआ था, वही चंपारण वाला, ठीक है। नेक्स्ट वन, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट लॉन्च स्वच्छ बच्चे स्वस्थ भारत मिशन। तो ये मैं इसलिए यहाँ पे रखा हूँ क्योंकि देखिए स्वस्थ बच्चे स्वस्थ भारत की बात जो करी गई है यहाँ पे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये है कि जैसे आपको नाम से लगेगा कि किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, तो आप शायद बोल दें कि हेल्थ की मिनिस्ट्री के अंदर आता होगा या तो किसी और मिनिस्ट्री के अंडर आएगा, लेकिन ये है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। इसके जो इस समय मंत्री हैं, जो मिनिस्टर हैं, उनका नाम है प्रकाश जावड़ेकर जी, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और स्वस्थ बच्चे स्वस्थ भारत किस मिनिस्ट्री में आता है? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, केंद्रीय विद्यालय में से ये कुछ लिंक है प्रोजेक्ट। नेक्स्ट वन, नविका सागर प्रक्रमा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर 6 मेंबर की एक टीम है, ऑल वुमन, 6 की 6 पूरी महिलाएं हैं भारत की, और इनको एक पूरे वर्ल्ड के एक परिक्रमा पे भेजा गया है, नविका सागर परिक्रमा इसका नाम दिया गया है इसको, और किस जो सेलिंग वेसल है उनका INS तरिनी, ये आप बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूरी महिला की टीम है, किस वेसल है उनका INS इंडियन नेवल शिप तरिनी से भेजा गया, और उसका प्रोजेक्ट का क्या नाम है? नविका सागर परिक्रमा, ठीक है। नेक्स्ट वन, सो दिस वॉज ए लास्ट स्लाइड एंड थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्द ही आप लोग को और भी पार्ट्स मिलते रहेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलें मैकेनिकल फोरम को। थैंक यू गाइज़।